वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर्स। सो गाइस, यहाँ पे भाग्यनगर इंडिया लिमिटेड का करोड़ों का रिजल्ट यहाँ पे क्या निकल के आ चुका है। कंपनी से डेटा जो है लैक्स में दिए गए, सब प्रॉपरली इसको क्रोस में काउंट करेंगे। करेंटली कंपनी के जो रेवेन्यूज नंबर देखने जाएंगे एक्जैक्टली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। करंट क्वार्टर में 408 करोड़ का रेवेन्यू, पिछले क्वार्टर में 369 करोड़ का रेवेन्यू था। सो क्वार्टर वाइज कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। 2023 में कंपनी का टोटल जो रेवेन्यू था लगभग 339 करोड़ का था, जो कि करंटली 408 करोड़ का हो चुका है। सो कंपनीज के जो रेवेन्यूज नंबर लगभग क्या क्वार्टरली प्लस ईयरली दोनों ही हमको क्या बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। करंटली 99 का शेयर चल रहा, लगभग 1.24% स्टॉक डाउन भी चला बिकॉज क्वार्टर टू के रिजल्ट यहाँ पे क्या निकल के आ चुके हैं। चलिए कंपनी के एक्सपेंस नंबर देख लेते हैं। करंट क्वार्टर में 405 करोड़ का एक्सपेंस है, पिछले क्वार्टर में 367 करोड़ का एक्सपेंसेस है। एक्सपेंस क्वार्टरली वाइज बढ़ा है। 2023 में 336 करोड़ का एक्सपेंस है, जो कि भी 405 करोड़ का एक्सपेंस हो गया है। सो एक्सपेंस क्वार्टरली ईयरली दोनों ही बढ़ा है। चलिए प्रॉफिट नंबर देख लेते हैं। करंट क्वार्टर में कंपनी ने 37 करोड़ का प्रॉफिट किया, पिछले क्वार्टर में 17 करोड़ का प्रॉफिट किया। प्रॉफिट नंबर कंपनी का क्वार्टरली वाइज यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ा है। 2023 में कंपनी का प्रॉफिट लगभग कितना था, दो करोड़ का था एंड यहाँ पे 1 करोड़ है, नॉट 17, ओके। सो 1 करोड़ का प्रॉफिट था। प्रॉफिट नंबर कंपनी का अगर आप देखने चाहेंगे, सो एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग से प्रॉफिट नंबर मैंने गलत बोले हुए हैं। नंबर्स लैक्स में सो क्रोर्स में काउंट करें ना हम। करंट क्वार्टर में प्रॉफिट है 3.72 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1.72 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके पहले 2.50 करोड़ का प्रॉफिट था। सो प्रॉफिट नंबर कंपनी क्वार्टरली वाइज बढ़ा है लगभग 2 करोड़ के आसपास, ईयरली बेस पे लगभग 1 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट क्या बढ़ा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत रिकवरी पोजिशन हो सकता है स्टॉक में, फिलहाल तो स्टॉक 1.24% डाउन ही चल रहा है। सो ये था कंपनी का क्वार्टर टू का रिजल्ट एंड आई थिंक आपके जो डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।